नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी और लेकर आया हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में फिर से फूटा कोरोना बम, आए 88 नए मामले। चंडीगढ़ जीएमसीएच 32 में कोरोना वार्ड में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने मचाया हंगामा। हरियाणा से बड़ी खबर, रोहतक में 3 को दी गई कोरोना वैक्सीन, लोगों की उम्मीदें बढ़ी। मंडी के रिटायर्ड फौजी ने पंचकुला में खुद को मारी गोली, पीजीआई में भर्ती। गुलाना में पहुंचे एसएचओ, दुकानदारों को दी कोरोना से बचने की हिदायतें। खालिस्तान संगठन सिख फॉर जस्टिस पर एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भारत सरकार। LAC LOC पर सुरक्षा स्थिति जांच लेने पहुंचे राजनाथ। हार्स ट्रेडिंग के ऑडियो की जांच के लिए गुड़गांव और मानेसर गई टीमें, विधायकों के वॉइस सैंपल की भी ली जा सकती है जांच। केंद्र मंत्री शेखावत समेत 3 पर केस। कोरोना संकट पर राहुल गांधी का ट्वीट, इस हफ्ते 10 लाख पार कर जाएगा आंकड़ा। पायलट खेमे को HC से थोड़ी राहत, सोमवार सुबह 10 बजे तक टली सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में शुक्रवार को कोरोना विस्फोट, 88 नए मामले सामने आए, जिनमें पंचकुला में आए DBP और CRPF के 11 जवान सहित कुल 43 लोगों में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पंचकुला सेक्टर 16 स्थित DGMER कार्यालय के 2 कर्मचारियों के परिवार के 12 सदस्यों में भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ MCH 32 में बीते दिन पहले गार्ड की हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि वीरवार को देर रात कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत करवाया। फिलहाल अभी किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने एक बड़ी अच्छी खबर दी है। ICMR भारत बायोटेक की बनाई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का PGI रोहतक में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। आज 3 वॉलंटियर को एनरोल किया गया है। सब पर वैक्सीन का सही असर हुआ है, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के डाकघर का रहने वाला सुरजीत सिंह फौज से रिटायर हुआ है। सुरजीत सिंह हरियाणा के पंचकुला के MDC के भैंसा टिब्बा में किराए के घर पर रहता था। वह सेक्टर 7 में ATM में सिक्योरिटी गार्ड था। शुक्रवार सुबह उसने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे पंचकुला में PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ भारत सरकार एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है। रेफरेंडम 2020 के नाम पर सिख फॉर जस्टिस के ऑनलाइन कैंपेन और वॉइस कॉल की पहचान कर एजेंसियां उसे ब्लॉक करने की तैयारी में है। SDM बराड़ गिरीश कुमार के नए निर्देशों का पालना कराने पर मुलाना थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने शुक्रवार शाम बाजार में निर्देशों की लिस्ट चस्पाई व साथ ही पूरे बाजार में स्वयं अपनी गाड़ी से अनाउंसमेंट भी की। क्लियर आदेश है, सब पढ़ लो हिंदी में, किसी को डाउट ना रहे। और मैं अनाउंसमेंट इसीलिए करने आया था कि जब मैं कार्रवाई करूंगा तो ये नगदेज मुझे पता नहीं है। कल पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। मेरा फर्ज था, मैंने फोटो भी चिपका दी, अनाउंसमेंट भी कर दी है, ठीक है जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे। श्री सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।